economic growth and economic development. Country with higher income are considered more developed than those with low income. More income, more goods to fulfill human needs. Comparison among nations, total income is not suitable. Per capita income is given more important than national income. National income and per capita income are very useful in calculating development level and progress of a country. But it is not the suitable index to show the development and welfare program of a country. It is not believed that economic development is not the only objective. There should be improvement in social, political, and all the field of life. Economic development means positive change in standard of living along with economic progress. जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी कंट्री की इनकम सोर्स ज़्यादा है तो वो कंट्री क्या है? डेवलप्ड कंट्री है, क्योंकि इनकम सोर्स ज़्यादा है तो जो गुड्स है वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, जिससे ह्यूमन की नीड्स क्या हो, फुलफिल हो जाए. कंपैरिजन करें नेशनल इनकम और टोटल इनकम का तो वो सूटेबल नहीं है. ये सब कुछ जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो पर कैपिटा इनकम को दी जाती है, कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम ही दोनों कंट्री के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट लेवल देखती है. कि पर ये एक सूटेबल इंडेक्स नहीं है कि हम कह दें कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम अगर हमारी कंट्री की ज़्यादा है तो हमारी लीडिंग कंट्री है. नहीं, ये माना जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल और पॉलिटिकल ग्रोथ भी होनी चाहिए किसी ना किसी कंट्री की, तभी वो डेवलपमेंट लेवल एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री है. कि जो कंट्री है उसकी थ्री लेवल, तीनों लेवल ऑफ फील्ड इक्वल होने चाहिए, लाइक पॉलिटिकल और सोशल भी. जिससे क्या होता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है. इकोनॉमिक लेवल जब अपग्रेड कर जाएगा, बट लोगों का जब सोशल और पॉलिटिकल लेवल सही नहीं होगा तो क्या होगा? लिविंग स्टैंडर्ड अगर सही नहीं होगा तो वो बैलेंसिंग नहीं करेगा. तो इसीलिए तीनों सेक्टर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स पॉजिटिव चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलॉन्ग विद इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कि तीनों सेक्टर इम्प्रूव करें, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, तभी हम किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट लेवल और प्रोग्रेस देख सकते हैं. Economic progress is the development of natural, physical, human and capital resources of a country. By increase in quality and its best use, highest standard of income and production can be achieved. इसका मतलब यही है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस तभी हो सकती है जब उसके नेचुरल, फिजिकल, ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज में डेवलपमेंट हो. अगर इन सब चीज़ में डेवलपमेंट होगा तो क्वालिटी अच्छी होगी. तो क्वालिटी जब अच्छी होगी तो जो इनकम सोर्स है वो भी हाईएस्ट होगा, प्रोडक्शन भी हाईएस्ट होगा, हाई होने लग जाएगा. प्रोडक्शन अगर किसी भी कंट्री का हाई होगा तो ऑब्वियस है इनकम सोर्स इंक्रीज होगी. तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है ही क्या, कि किसी के भी इनकम और प्रोडक्शन में इंक्रीज होना, उसका नेशनल और पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होना, किसी भी कंट्री की इनकम इंक्रीज होने से, प्रोडक्शन इंक्रीज होने से उसकी नेशनल और पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होती है, वही तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है. कंटिन्यूस डेवलपमेंट और सक्सेसिव डेवलपमेंट. कंटिन्यूस डेवलपमेंट is an economic development which is done without harming natural resources and which is done maintaining natural resources. Continuous development वो development है जिसमें जो भी natural resources हैं उनको destroy नहीं करते हैं, उनको harm नहीं पहुँचाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है. That is known as continuous development. Assimilated development ensure that benefit of development should reach the people of all the section of society.
gender, linguistic, religious differences, poverty, and physical disability. It is a broader concept which favors equality of income, opportunity, and human rights in every aspect of life. इस टाइप के डेवलपमेंट में ये ध्यान रखा जाता है कि जो डेवलपमेंट हुआ है उसका बेनिफिट ऑल दी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिले, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कोई जेंडर के बेसिस पे या रिलीजियस के बेसिस पे या पॉवर्टी या लिंग्विस्टिक या फिजिकल डिसेबिलिटी के बेसिस पे, किसी भी जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कोई ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, इसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। एक ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें इक्वालिटी ऑफ इनकम, अपॉर्चुनिटी एंड ह्यूमन राइट को फेवर किया जाता है कि सबको बराबर इनकम दी जाएगी, बराबर अपॉर्चुनिटी है उनको काम करने की, और उनको पूरा राइट है कि वो ये सब कुछ कर सकें और उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इज इम्प्रूविंग द लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल सो दैट दे कैन अचीव अ qualitative life and participate in economic development of a country. For this we required education, health, infrastructure, general equality, etc. Also, development cannot be compared by how much money a person have, but what amount is spent on overall development of an individual. ये आप सबको पता है कि human development जो होता है वो living condition of people को की इम्प्रूव करता है, जिससे वो अच्छी लाइफ अचीव कर सके और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके एज अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। वो कैसे होगा? जब उन्हें प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जेंडर इक्वालिटी मिलेगी, तभी वो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। और डेवलपमेंट को अपन ये नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट किसी पर्सन का तब होता है जब उसके पास अच्छा इनकम सोर्स हो। नहीं, डेवलपमेंट हम किसी पर्सन का तब बोलेंगे कि उसने कितना अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ मनी एज अ डेवलपमेंट के लिए स्पेंड किया है। डेवलपमेंट एक पर्सन का कैसे होगा, लाइक एजुकेशन, उसे हेल्थ अच्छी प्रोवाइड की है, वैसे। इनकम इज एन इनएडिक्वेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अब हम देखें कि क्या इनकम ही है सब कुछ किसी पर्सन के डेवलपमेंट के लिए? नहीं, इनकम के अलावा भी बहुत से डायमेंशनल है किसी पर्सन के डेवलपमेंट होने के लिए। इनकम अगर हमारे पास है पर जो दूसरे डायमेंशनल नहीं है तो हमारी लाइफ क्या होगी? बैलेंसिंग नहीं होगी। तो जो दूसरे डेवलपमेंट लेवल ऑफ डायमेंशंस हैं वो क्या है? फर्स्ट वन इज़ हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर ऑल्सो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जब हमारी हेल्थ अच्छी है, एजुकेशन है, सब कुछ है, तो हमारा ऑब्वियसली सोशल वेलबींग अच्छा होगा। बात करते हैं यूएनडीपी की। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक बॉडी है जो रिपोर्ट पर पब्लिश करती है कि किस टाइप की क्वालिटी ऑफ लाइफ ह्यूमन को जीनी चाहिए। ये जो बॉडी है वो सबसे पहले कंपेयर करती है बहुत सारी कंट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले आता है एजुकेशन लेवल, दूसरा है हेल्थ स्टेटस, और थर्ड वन इज़ पर कैपिटा इनकम पे, कि किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो इसी के बेसिस पे है। एजुकेशन लेवल किस कैसी अमाउंट ऑफ एजुकेशन वो पर्सन कर रहा है, क्या उसके एजुकेशन है लेवल्स वगैरह, हेल्थ स्टेटस कैसा है, या किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है, कितने उनके वेलफेयर है, ये सब चीज़ें ये जो यूएनडीपी देखता है। और ये क्या करता है, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है ताकि कौन सी कंट्री की कौन सी रैंकिंग है और वो कौन सी पोजीशन होल्ड कर रही है। प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग इज़ अ टेक्निक इन विच एफर्ट्स आर मेड टू अचीव ऑब्जेक्टिव बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवरेबल द रिसोर्सेज एंड फिक्सिंग द टारगेट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। कि आप सभी को पता है प्लानिंग क्या है, किसी भी काम को करने का एक तरीका, जिससे क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव, जिस
से वो काम कर रहे हैं वो अचीव हो जाए, और किस तरीके से जो हमारे कंट्री के पास जो रिसोर्सेस है वो अलग अलग टारगेट में कितना कितना इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से काम करना है, वो सारा एक प्लानिंग का पार्ट है। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड इन मेनी वेज, बट इन सिंपल वर्ड इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ अ साइंस ऑफ अचीविंग सर्टन सोशल ऑब्जेक्टिव बाय यूजिंग अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उनको किस तरीके से यूटिलाइज करके, किस तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से एज अ टारगेट में उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारा कुछ हम करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग में। द टेक्निक ऑफ प्लानिंग इज़ यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ इकनॉमी और टू अचीव डिज़ायर इकनॉमिक एक्टिविटी। ये जो प्लानिंग इकनॉमिक प्लानिंग इसलिए बनाई है जिससे क्या हो कि इकनॉमी में डेवलपमेंट आ जाए और हमें क्या करें कुछ डिज़ायर्ड इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव मिले। प्लानिंग इसीलिए की गई थी और इस प्लानिंग के बेसिस पे 5 ईयर प्लान्स बने थे, जैसे इंडिपेंडेंस के पहले कि कैसे हमारी जो कंट्री है उसको बेनिफिट प्रोवाइड हो, किस सेक्टर में कहाँ कहाँ कितना कितना रिसोर्सेस यूज़ करना है, कितने कितना अमाउंट ऑफ मनी किस किस सेक्टर में डालना है, ये सारा कुछ इस प्लानिंग के अंडर में आता है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ मेंशन इन कॉन्क्रेंट लिस्ट ऑफ 7 स्केड्यूल। द फर्स्ट प्लान इन इंडिया वॉज बॉम्बे प्लान 1943, नेक्स्ट वन इज़ गांधीयन प्लान 1944 गिवन बाय एस एन अग्रवाल, थर्ड वन इज़ पीपल प्लान 1944 गिवन बाय एम एन रॉय, फोर्थ वन इज़ सर्वोदय प्लान 1950 गिवन बाय JP नारायण। अफ्टरवर्ड्स प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश इन 15 मार्च 1950। जवाहरलाल नेहरू वॉज दी हेड ऑफ दी नेशनल प्लानिंग कमेटी। प्लानिंग कमीशन वॉज डिजॉल्व इन 17th August 2014। प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन रिप्लेस विद नीति आयोग। नीति आयोग इज़ अ पॉलिसी मेकिंग एंड थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उसके बाद प्लानिंग कमीशन आ गया था, और प्लानिंग कमीशन हुआ था उसका जो एस्टैब्लिशमेंट था वो 15 मार्च 1950 को हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू एज द हेड ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी में हेड थे। प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हो गया 17th August 2014 को। फिर प्लानिंग कमीशन किससे रिप्लेस किया गया? नीति आयोग से रिप्लेस किया गया। नीति आयोग इज़ अ पॉलिसी मेकिंग थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट। नीति आयोग एक ऐसी पॉलिसी थी गवर्नमेंट की जिसमें उनको लोगों के वेलफेयर, किस तरीके से जो प्लानिंग की हुई जो चीज़ें थी उसको सोचना था। नेक्स्ट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1952। इट गिव्स फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान्स। इन लोगों को जो 5 ईयर प्लान है उनको फाइनल अप्रूवल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC के थ्रू मिला था, जो 1952 में स्टैब्लिश हुई थी। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग। जैसे कि हमने 12th 5 ईयर प्लान पढ़ ली है, अब उसके अंदर क्या क्या स्ट्रेटजीज आएगी वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो इस्टेब्लिश हुआ था 1951 to 1956 में, वो किसके ऊपर बेस्ड था? हेरोडोमस स्ट्रेटजी के ऊपर बेस्ड था, और मेन फोकस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर था। उसमें KN राज वॉज आर्किटेक्चर ऑन दिस प्लान। इस प्लान में जो आर्किटेक्चर थे वो KN राज थे, और इनका टारगेट कितना था कि 2.1 पर इन्होंने अचीव कितना किया था, 3.6% टारगेट अचीव कर लिया था। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 to 1961। सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन महालनोबिस प्लान। मेन फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। इन दिस प्लान डूंगरपुर बिलाई एंड राउरकेला स्टील प्लांट वॉज सेटअप। इसमें इस पूरे प्लान में मेन फोकस जो दिया था इंडस्ट्री सेक्टर्स को दिया था। इसमें कुछ ऐसे इस प्लान्स के अंदर स्टील प्लांट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हुए थे और कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह डेवलप हुई थी।
नाउ थर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड फाइव ईयर प्लान जो 1961 to 1966 में हुआ था. इसमें एम्फेसिस दिया गया था सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकनॉमी वॉज मेन गोल. इसमें से आत्मनिर्भर या कुछ अपने से जो इकनॉमी और सक्रिय है अपनी कंपनी को कंट्री को रन करने के लिए उससे एम्फेसिस दिया गया था. दिस प्लान फोर्स ऑन बैलेंस ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री. इसमें फोकस दोनों पे बैलेंसली तरीके से दिया था. किस पे? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर. इन दिस प्लान इंडियन इकोनॉमी एंटर्ड इन टेक ऑफ स्टेज ऑफ WW रोस्तोव. रोस्तोव के समय में ये इस इंडस्ट्री फाइव ईयर प्लान ने टेक ऑफ कर लिया था. उसके बाद इंडो चाइना वॉर हुआ 1962 में, इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ 1965 में. तो फर्स्ट टाइम इंटेंसिव इंपोर्ट आउटपुट मेथड यूज़ किया गया इस प्लान के थ्रू. नाउ एनुअल प्लान. ड्यू टू वॉर एंड इकोनॉमिक स्लम गवर्नमेंट पोस्टपोन्ड फोर्थ फाइव ईयर 3-1 year प्लान वर इम्प्लीमेंट फ्रॉम 1966 to 1969. दिस पीरियड इज़ कॉल्ड प्लान पीरियड. अब जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुन रहे हैं कि प्लान पीरियड हुआ क्या था, जो इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर हुआ था तो इकनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई थी और ऐसी कंडीशन हो गई थी वॉर के थ्रू कि जो इकनॉमिक स्टेटस था वो बिल्कुल नीचे पहुंच गया था. तो जो फोर्थ फाइव ईयर प्लान था उसको इम्प्लीमेंट किया ही नहीं था. वो जो थर्ड वाला ही फाइव ईयर प्लान था उसको कंटिन्यू कर दिया था 1966 to 1969. और वो जो पीरियड था 69 to 66 to 69 का वो प्लान हॉलीडे पीरियड बोलते हैं उसे. नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ फाइव ईयर प्लान 1969 to 74. दिस प्लान एम्फसिस ऑन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. दिस प्लान फेल्ड ड्यू टू ऑयल क्राइसिस एंड इंडो पाक वॉर इन 1992. इसमें जो मेन फोकस दिया है वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दिया है, पर ये फेल हो गया था. किस लिए फेल हो गया था? ऑयल क्राइसिस और पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था 1972 में. फिफ्थ फाइव ईयर प्लान. फाइनल ड्राफ्ट ऑफ दिस प्लान वॉज प्रिपेयर्ड बाय DP दर. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वॉज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस. मैक्सिमम नीड प्रोग्राम स्कीम वॉज लॉन्च ड्यूरिंग दिस प्लान. दिस प्लान टर्मिनेटेड 1 year बिफोर द प्लान. ट्रिकल डाउन अप्रोच इज रिलेटेड विद फिफ्थ ईयर प्लान. इसमें ये मेन एम्फोसिस क्या दिया था? पॉवर्टी हटाओ, गरीबी हटाओ को एम्फोसिस दिया गया था. और इसमें इस प्लान में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स लॉन्च करने को एम्फेसिस दिया गया था. वी आर टॉकिंग अबाउट एनुअल प्लान रोलिंग प्लान 1978 to 1980. द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान इज रिलेटेड विद गुनार मेडरल. द सिक्स्थ फाइव ईयर वॉज स्टार्टेड इन 1978 बाय जनता गवर्नमेंट अंडर द हेड ऑफ मोरारजी देसाई. दिस प्लान वॉज रिजेक्टेड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1980. ये कुछ प्लान्स वगैरह बने थे जो 1980 में कांग्रेस के थ्रू उन्हें रिजेक्टेड कर दिए थे. नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्स फाइव ईयर प्लान 1980 to 1985. मेन फोकस ऑन रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी पॉवर्टी थ्रू स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में एम्फेसिस किसके ऊपर दिया था? कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करते हैं, जिससे बोथ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हम लोग उसको स्ट्रेंथन कर सकते थे प्लान सिक्स में? कि जैसे बहुत सारे डैम्स वगैरह बनाए, और उसके डैम्स बनाने के बाद आप लोगों को जैसे पता ही होगा द फर्स्ट डैम वॉज हीराकुंड डैम. और उसके बाद IIT का जो सेक्टर था वो 5 IITs इस्टेब्लिश हुई और उस IIT से खूब सारा अमाउंट ऑफ मनी आया, जिससे गवर्नमेंट या हमारी जो कंट्री थी उसको बहुत बेनिफिट हुआ. नाउ सेवन फाइव ईयर प्लान 1985 to 1990. गोल ऑफ दिस प्लान फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी. इसका जो मेन थीम था या फोकस था वो फूड वर्क और प्रोडक्टिविटी पे था. एक्सेलरेटेड फूड ग्रेन प्रोडक्शन टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. इन्होंने बोला कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करो, जिससे क्या होगा, उसका प्रोडक्शन अगर अच्छा हुआ तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने लग जाएगी. इन दिस प्लान द इंडियन इकोनॉमी क्रॉस द बैरियर ऑफ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ.
राजकृष्ण, इसमें जो इकोनॉमी थी उसने अपना जो बैरियर था उसको क्रॉस कर दिया था. नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एनुअल प्लान 1990 to 92. एट्थ प्लान कुड नॉट टेक ऑफ ड्यू टू द फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन एट द सेंटर. जो एट्थ प्लान है वो टेक ऑफ हो चुका था क्योंकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो बहुत फास्ट चेंजिंग हो रही थी. नाउ एट फाइव ईयर प्लान 1992 to 1997. इन दिस प्लान फिस्कल रिफॉर्म एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इनिशिएटेड बाय नरसिम्हा राव. राव मनमोहन सिंह मॉडल फर्स्ट इंडिकेटिव प्लान वॉज यूज इन दिस वन एंड इन दिस प्लान फिस्कल डेफिशिएट एंड सीएडी वर सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन. उन सबको डिक्लाइन कर दिया था. नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट 9 5-year प्लान जो 1997 to 2002 में हुआ था. द गोल ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. इसका क्या गोल था कि जो सोशल जस्टिस मिले और इक्वालिटी पे फोकस हो. दिस प्लान एम्फोसिस ऑन 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज. इसने कुछ सर्विसेज पे एम्फोसिस दिया था. 10th 5-year plan 2002 to 2007. इन दिस प्लान देयर वॉज नो एनी टारगेट फॉर एग्रीकल्चर. इसमें एग्रीकल्चर का कोई टारगेट था ही नहीं. टारगेट लोग ने बनाया था पर आई गेस सक्सेस अचीव नहीं हुई थी. रिडक्शन इन ICOR इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो टू 4.25 विच वॉज हायर देन टारगेट. ड्यूरिंग दिस प्लान इंक्रीज इन GDP वॉज 7.6% एंड टारगेट इज 8%. उसमें GDP का जो ग्रोथ हो गया था जो टारगेट था 8%. नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट 11 5-year प्लान. स्लोगन ऑफ दिस प्लान वॉज इंक्लूसिव ग्रोथ. इट फोकस ऑन डिस्टेंट एजुकेशन एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. Reduction in gender inequality, increase the agriculture growth rate by 4% or reduction in TFR. What's 12th 5-year plan? Slogan, faster sustainable and more inclusive growth. Sustainable development is like, किस तरीके से हमको डेवलप करना है. टारगेट IMR 25, चाइल्ड सेक्स रेशियो 950, TFR 2.1. ये भी देख लेते हैं टाइप ऑफ प्लानिंग्स जो हुई थी. इम्परेटिव प्लानिंग. इन दिस प्लानिंग सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड अपॉन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकनॉमी. इट इज़ रिलेटेड विद सोशलिस्ट इकनॉमी. नेक्स्ट वन इज इंडिकेटिव प्लानिंग. इन दिस प्लानिंग स्टेट सेट बोर्ड प्रेमिट टर्स एंड गोल्स फॉर इकोनॉमिक एंड इंडिकेट्स द टारगेट टू अचीव. थर्ड वन इज पर्सपेक्टिव प्लानिंग. इट इज़ अ प्लानिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजअली 15 to 20 years. रोलिंग प्लानिंग क्या थी? रोलिंग प्लानिंग वॉज सजेस्टेड बाय गुनार. इट इज़ ऑफ 3 टाइप. फर्स्ट प्लान फॉर अ करेंट ईयर, अ प्लान फॉर फिक्स नंबर ऑफ ईयर 3, 4, 5 ईयर्स और थर्ड वन इज़ प्लानिंग फॉर 10, 15, 20 ईयर्स.